हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इस चैनल पे मैं लेकर आते हूँ आपके लिए बहुत सारी ऐसी टिप्स बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज और कुछ ऐसे वीडियोस जिनसे आपको आपके करियर को आगे ट्रांसिन करने में हेल्प मिलती है जो भी आपकी करियर रिलेटेड क्वेरीज हैं जो भी आपके पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम अप विद न्यू वीडियोज टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी गलती

Let's get started. पहली गलती जो आप करते हैं वो है इन ऑफ डेटा अब मान के चलिए अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं जिसमें आपको एक साउथ इंडियन शेफ चाहिए वो साउथ इंडियन शेफ़ साउथ इंडियन बनाने की जगह पे आपको आकर के बताए कि भाई मैं नॉर्थ इंडियन अच्छा बनाता हूँ मैं पूरी भाजी अच्छा बनाता हूँ मैं पाव भाजी अच्छा बनाता हूँ बट वो कहीं भी ये जिक्र ना करे कि हाँ मैं साउथ इंडियन भी अच्छा बना लेता हूँ क्या आप उसे हायर करेंगे एप्सल्यूटली नहीं करेंगे यही आपके रिज्यूमे पर पता चलता है आप अगर एक बैक इन रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप मैंशन कर रहे हैं सारे के सारे फ्रंट एंड के कंटेंट राइटिंग के डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट

इंसान उसे नहीं देखता देर इज दिस मशीन देर इज सिस्टम जिसके थ्रू वो पास होता है उसे अगर वो की नहीं मिले अगर वो आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होने के बाद भी उसे पास नहीं कर पाया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जीरो हो जाते हैं नेक्स्ट गलती जो आप करते हैं चौथी गलती जो आप करते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो होती है मेकिंग श्योर दैट द फॉर्मेट इन विच योर अपलोडिंग योर रिज्यूमे इज़ करेक्ट अब कई जगह पे कई पोर्टल्स पे पो वो पीडीएफ एक्सेप्ट करते हैं आपको पीडीएफ ही अपलोड करनी चाहिए आप वर्ड को बना करके अपलोड मत कीजिए आप अपने जेपीजी फॉर्मेट में अगर आपने एक पिक्चर क्लिक करके रख लिया अपने रिज्यूमे का उसे अपलोड मत कीजिए एक बहुत ही सिली सी मिस्टेक है बट बहुत रियल मिस्टेक है बहुत बार हो जाती है तो आप अपने पास एक पीडीएफ हमेशा हैंडी रखिए जब भी आपको एक रिज्यूमे अपलोड करना है आखिरी गलती जिसके बारे में मैं बोल बोल कर थक चुकी हूं बट आप लोग अब भी वही रिपीट कर रहे हैं इज हैविंग जीरो फीडबैक ऑन योर रिज्यूमे जब भी आप एक रिज्यूमे क्रिएट करते हैं भाई कोई उसे कॉपी नहीं करेगा एक मन में डर होता है कि मैंने किसी के लिए अगर फीडबैक मांग लिया तो वो मेरे प्रोजेक्ट्स कॉपी कर लेंगे वो मेरी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेंगे वो मेरे कलर्स कॉपी कर लेंगे आप ही अपने कोर्स ग्रुप से बनाकर रख सकते हैं बट एक बहुत बड़ी कंट्री है बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज्यूमे आपसे कई बेहतर भी होंगे तो इस डर से अगर आप फीडबैक लेने से चूक रहे हैं तो कई ना कहीं आप एक बहुत बड़ा चांस क्रिएट कर रहे हैं कि आपके रिज्यूमे पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाए कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक रह जाए कोई ग्रामेटिकल एरर रह जाए या कोई इंग्लिश लैंग्वेज आपने ऐसी लिख दी है जो इजीली समझ नहीं आ रही है और वो जब आप अपलोड कर देते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के जीरो कर देता है तो फीडबैक अपने रिज्यूमे पर जरूर लीजिए आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके चलते मेरे रिज्यूमर सिलेक्ट नहीं हो रहे थे अगर आपको ये रेलिवेंट लगती हैं लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स एन एस कॉमेंट में जरूर बताइए कि ये सारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होते हैं या नहीं इट इज रियली गॉन ओ मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर बेटर वीडियोज नाउ टुवर्ड्स the एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड want टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू the न्यूटन स्कूल्स प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है अगर आप खुद को एक फुल stack डेवलपर बनाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली out करना चाहिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नया बैच start होने जा रहा है यहाँ ये आपको स्क्रैच से कोडिंग सिखाएंगे और एक फुल stack डेवलपर बनने की ट्रेनिंग देंगे साथ ही आपको एक प्री प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा जिसको यूज करके आप अपनी ड्रीम कंपनीज में जॉब पा सकते हैं सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इफ येस देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल और हाँ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो आए तो वो आपको क्विकली मिल जाए आई सी यू ऑल लेटर टेक केयर टिल एंड कीप एसिंग योर करियर्यरस बाय